हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ इस तरह का पायल बनाने के मेथड को शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमें ज़रूरत पड़ती है 12 नंबर की बीड्स, जो ब्लू कलर में ली है मैंने, और 6 नंबर की बीड्स है, ये वाइट कलर की ली है, और कुछ हैंगिंग्स हैं। आपके पास जो भी हैंगिंग्स हो वो आप ले सकते हो, एक हुक और एक रिंग और 50 नंबर का फिशिंग वायर, सीजर्स। पहले मैंने 1 मीटर वायर काट लिया है और इसमें मैं पहले एक साइड की वायर में रिंग ले लूँगी, इसे बीच में लाकर गांठ दे देना है। देखिए, दोनों वायरों में से हमें एक 6 नंबर की बीड लेना है। अब देखिए, लेफ़्ट साइड और राइट साइड वायर को अलग कर लेंगे इस तरह से। अब लेफ़्ट साइड की वायर में हम एक 6 नंबर की बीड लेंगे, एक हैंगिंग लेंगे, फिर 2 वाइट कलर की बीड लेंगे, और राइट साइड की वायर में एक ब्लू कलर की बीड लेंगे। इसे अब हम क्रॉस कर लेंगे। अब देखिए, लेफ्ट साइड की वायर में एक ब्लू बीड लेंगे और राइट साइड के वायर में तीन वाइट कलर के बीड्स लेंगे। इसे अब हम क्रॉस कर लेंगे। अब देखिए, लेफ्ट साइड की वायर में एक वाइट कलर की बीड लेंगे, एक हैंगिंग लेंगे, फिर 2 वाइट कलर के बीड्स लेंगे। और राइट साइड की वायर में एक ब्लू कलर की बीड लेंगे, इसे क्रॉस कर लेंगे। अब देखिए, राइट साइड की वायर में एक ब्लू बीड और लेफ्ट साइड की वायर में 3 वाइट बीड्स ली हैं, इसे अब हम क्रॉस कर लेंगे। हमें बस ये ध्यान में रखना है कि अल्टरनेट हम एक बार ब्लू बीड लेफ्ट में लेंगे और एक बार राइट में लेंगे, और नेक्स्ट हम हैंगिंग्स जिस तरफ लगा रहे हैं हमें ठीक उसी तरफ लगाना है, दूसरी तरफ नहीं लगाना है। इसी तरह से हमें जितना लंबा चाहिए उतना लंबा करेंगे, और एंड में जैसे हमने ये रिंग लगाया है ठीक उसी तरह से हम इस हुक को भी लगाएंगे। तो चलिए मैं लगा के दिखाती हूँ। अब देखिए, लास्ट में जैसे हमने स्टार्टिंग में
एक सिंगल बीड लिया था दोनों वायरों के अंदर, उसी तरह से हम एंड में भी उसी तरह से करेंगे। दोनों वायरों से एक वाइट कलर की बीड ले लेंगे। उसके बाद हम ये हुक एक तरफ की वायर से लेंगे और यहाँ पर हम गांठ दे देंगे। और एक्स्ट्रा वायर को काट लेंगे। देखिए अब हमारा पायल रेडी है। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।